फाइन दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे थे वन प्लस की 12 सीरीज का, तो भाई आपका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि लीक्स तो दोस्तों अभी के टाइम पर स्मार्टफोन के निकल कर आ ही रहे हैं, लेकिन इसकी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो भी निकल कर आई है, जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। जी दोस्तों, कैसी है वो अनबॉक्सिंग की वीडियो, रियल है फेक है वो देखो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, लेकिन भाई मेरा काम है आपको टेक से रिलेटेड अपडेट रखना, और मैं वो आपको रखने वाला हूं। मैं आपको वन प्लस 12 के बारे में सारी चीजें बताऊंगा कि कब तक ये इंडिया में आ सकता है, किस प्राइसिंग के साथ आ सकता है और किन फीचर्स के साथ आ सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं, ये है OnePlus 12 की अनबॉक्सिंग बॉक्स। यहां पर आप देखते हैं सेम वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसे कि हमें इस सीरीज के बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, सेम 12 की ब्रांडिंग है और वही जो रेड बॉक्स देखने जाता है। और जैसे दोस्तों यहां पर आप देखते हैं बॉक्स को ओपन किया इस बंदे ने, ऊपर की तरफ हमें हमारा स्मार्टफोन दिखाया गया और नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है 150 वोल्ट का, आई थिंक 150 वोल्ट ही है, यहां पर कोई ब्रांडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती, एक पावर अडैप्टर एंड एक टाइप सी की चार्जिंग केबल देखने जाती है, और बाकी कुछ यूजर मैनुअल वगैरह है वो यहां पर दिखाए गए हैं। तो ये थी दोस्तों वो अनबॉक्सिंग वीडियो जो कि निकल कर आई थी, जो कि हमने आपको दिखाई, आई थिंक आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं OnePlus 12 के बारे में कि कैसा है ये स्मार्टफोन, क्या कुछ इसके अंदर फीचर मिलने वाले और किस प्राइसिंग के अंदर आने वाले है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो बताया जा रहा है कि 260,000 के अंदर जो ये स्मार्टफोन में इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, और लॉन्चिंग डेट की बात करूं तो दिसंबर के एंड तक ये स्मार्टफोन में इंडिया में मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग एंड प्राइसिंग, अभी बाकी रह गई है इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे Vivo Y200 का, जिसमें अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा वहां पर जाकर। अभी बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करूं, डिजाइन की बात करूं, डिजाइन रियर साइड से काफी हद तक हम कह सकते हैं 11 सीरीज से मिलता जुलता रहने वाला है, लेकिन बस जो कैमरा मॉड्यूल के अंदर कैराज की फॉर्मेशन होगी ना, वो थोड़ी बहुत चेंज हमें देखने जाएगी। रियर साइड से दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमें डिजाइन देखने को मिल जाएगा, ये भी एक वीडियो निकल कर आई थी जो कि आप हमारे डिस्प्ले पर देख रहे हो, डिजाइन काफी अच्छा रहने वाला है। और फ्रंट साइड में अगर मैं आता हूं तो यहां पर आपको देखने जाएगी 6.1 इंच की ओलेड पैनल वाली डिस्प्ले, जो कि मिड पंचोल रहने वाली है, कर्ड एजेस रहेंगे ऑब्वियस ही बात है, और यहां पर 2K डिस्प्ले मिलने वाली है, यानी भाई जो डिस्प्ले के कलर्स होंगे वो हमें काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे और बेजल्स भी यहां पर काफी कम यहां पर मिलने वाले हैं। दूसरी बात अगर कैमरा की बात करूं तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने मिलेगा, जहां पर 50+48+64 ये ट्रिपल कैमरा होगा, OIS जैसे फीचर देखने को जाएंगे, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी, सेल्फी की बात करूं 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को जाएगी। देखो यार अभी इसके कैमरा फीचर्स की बात करूं, अदर फीचर्स की मतलब क्या कुछ और फीचर होंगे, उन चीजों के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन भाई अगर आपने अभी तक OnePlus के इस सीरीज के स्मार्टफोन यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई जो इस सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं कैमराज के मामले में काफी तगड़े होते हैं। 11 सीरीज भी काफी तगड़ी थी और नो डाउट 12 सीरीज भी कैमरा के मामले में काफी तगड़ी होने वाली है। इस स्मार्टफोन की जो वन ऑफ द मेन हाईलाइट रहने वाली ना, जो इसका एक की पॉइंट होने वाला है, जो कि आई थिंक इसका ब्रांड भी हाईलाइट करेगा, वो इसका चिपसेट है। यहां पर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 चिपसेट देखा जाएगा, और हाल ही में एक लिस्ट भी निकल कर आई थी जहां पर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 चिपसेट यूज होगा, काफी चुनिंदा स्मार्टफोन्स में अभी के टाइम पर हमें ये देखने मिलेगा, और बताया जा रहा है काफी ज्यादा पावरफुल होगा। ऑब्वियस ही बात है ये होगा, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन के 8 जेन इससे पहले वाले सीरीज के चिपसेट थे, 8 जेन 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, वो भी जब लॉन्च हुए थे तो अपनी प्राइसिंग में सबसे बेहतरीन गेमिंग दे रहे थे, और आई थिंक हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं 8 जेन 3 में भी ऐसी ही कमाल की और धांसू हमें परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। बस एक चीज यहां पर ना मिले तो अच्छा है, वो हीटिंग इशू है जो कि मैक्सिमम स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स में हमें मिलता है, तो हम यही प्रे करते हैं कि 8 जेन 3 में हमें हीटिंग इशू ना मिले। लास्ट एंड फाइनली अगर मैं बैटरी की बात करूं, 5000 mAh की बैटरी देख मिलेगी, 150 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देख मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट हमें वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे, और इसके साथ ही अगर अदर फीचर्स की बात करूं तो यहां पर हमें एंड्रॉइड 14 के साथ ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो कि हमें स्मार्टफोन के अंदर देखने मिलेगी, लॉन्च डेट और प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं कैसा होगा स्मार्टफोन, भाई मैं तो काफी एक्साइटेड हूं स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि जो फीचर्स बताए गए हैं भाई मेरे हिसाब से तो काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। अब आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आप भी OnePlus 12 के लिए इतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूं, और अगर आप एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय दोस्तों।